तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। आज हम मुंबई के कुर्ला ठक्करबापा कॉलोनी पहुंचे हैं। यहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, गली मोहल्ले में पहुंचेंगे और लोगों की राय जानेंगे। लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 5 में कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन आज भी व्यवसाय जो चलना चाहिए था वो चल नहीं पा रहा है। और ठक्करबापा कॉलोनी की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी व्यवसाय चप्पल की मानी जाती है। ये बात सही है, एशिया की सबसे बड़े मार्केट है ये चप्पल का, जो यहाँ से मैन्युफैक्चर सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा दुकानें यहाँ पे चप्पल की है पूरे महाराष्ट्र में, और एशिया में सबसे मतलब इतनी बड़ी मार्केट कहाँ पे भी नहीं जो ये ठक्करबापा में। आज ये कोरोना की वजह से कई कामगार लोग यहाँ से चले गए, बचे कुछ है पर आज उनके पास रोज़गार आज जो चप्पल का था वो आज उनके हाथ से छीन गया है सबसे। आज यहाँ पे दुकानें भी बंद है, कंटेनमेंट जोन में भी डाल दिया है इनको, क्योंकि यहाँ लगे कंटेनमेंट जोन डालने से जो छोटा मोटा रोज़गार मिलना था आज उनको रोज़गार भी हाथ से चला गया है। लोगों को आज मजदूरी करना पड़ रहा है, किसी को चाय बेचना पड़ रहा है, कोई सब्जी का धंधा चालू कर दिया, तो इसकी वजह से काफ़ी तकलीफ ये चालू है। बिजली बिल की बात की जाए तो लगातार बिजली बिल से भी लोगों को मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं। स्कूल फीस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिजली की इसको सरकार ने इस पर सीरियसली नहीं ले रहे, कि लोग इस पर काफ़ी परेशान हैं। 4-4 महीने का बिल हो रहा है, उसमें ना तो उनके कई तो रीडिंग भी नहीं हुई, दुकानें 4-4, 5-5 महीने बिल थे उनका भी उतना ही रीडिंग बता रहा है, उतना ही बिल भेज रहे हैं। इस पर लोग काफ़ी सीरियस नहीं है, लोग परेशान है। दुकान का जहाँ पे 10,000 बिल आ रहा था उनका, कोई कमर्शल है तो आज 4 महीना बंद होने का भी 40,000 रुपये लोग भेज रहे हैं, इतना भी उनको दिख रहा नहीं है, खाली लूट मार लगी है उसमें। आज उनको उस चीज़ पे सीरियस लेना चाहिए था कि आज लोगों रोज़गार चला गया, आज लोगों के पास पैसा नहीं है, ना उनको बराबर खाने पीने की सुविधा मिल रही है, और ऊपर से आप भी उन पर ये बिल थोप रहे, उस पर सरकार को इस पर सीरियस लेके उस पर काम करना चाहिए। तो संकट की घड़ी में वार्ड क्रमांक 151 के नगर सेवक राजेश फुलवरिया जी भारतीय जनता पार्टी के, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, कई सवाल उनसे कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार लॉकडाउन 5 चल रहा है कई रियायतों के साथ, ऐसे में आपके माध्यम से आपके द्वारा यहाँ पर लोगों के लिए क्या अहम कदम उठाए गए हैं लॉकडाउन कोरोना वायरस संकट की घड़ी में? क्योंकि ऐसा था जब कामगार लोग यहाँ पे परेशान थे काफ़ी हद तक, तो यहाँ पे कंटिन्यू हमारे यहाँ पे 2 टाइम पे खाना चालू था, 2000 पैकेट सवेरे शाम आ रहा था, उसमें से एक 800 पैकेट वहाँ से एक संस्था से आ रहा था, 1200 पूनम महाजन ने अपनी तरफ से किया था, तो ये 2000 हम लोग मतलब खासदार की तरफ से मदद था। कई लोगों को राशन भी हुई, कई लोगों को राशन भी नहीं मिल पाया, और यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे हो सकता है जो गरीब से गरीब लोगों को राशन देना ये करना वो हम लोगों ने कोशिश की है। दूसरा, जब लोगों को गांव पहुँचाने की जो है बात नहीं, जो मतलब यहाँ पे जाने की व्यवस्था नहीं है, उसके हम लोगों ने लोगों को ट्रेन में पहुँचाने के लिए बड़ा काम किया है। पूनम महाजन की आपने बात की है, खासदार हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में पूनम महाजन का क्या सहयोग मिला है आपको? नहीं बताया ना, आज उनके तरफ से 2 टाइम का खाना आ रहा था उनका, मेडिकल की 2 बार उन्होंने टीम भेजी थी वो भी चालू था, 2 बार हमारे यहाँ से ट्रेन की कैंसिल हुई थी, उन्होंने वहाँ पे खुद के लेवल पे आके ट्रेन के उन्होंने ये ट्रेन चालू करवा के दी। एक बांद्रा में कैंसिल हो गई थी जो 2 बजे का टाइमिंग था, उसने दोबारा उनको 6 बजे का टाइम करके दिया था, तो जगह जगह उनका मेडिकल कैंप लगाना, आज पुलिस क्वार्टर में वहाँ पे उन्होंने खाना वगैरह भी राशन देने का, कई जगह उनका काम चालू था, ऐसा नहीं कि नहीं चालू था। वार्ड की बात करें, 150 वार्ड की भारतीय जनता पार्टी के आप नगर सेवक हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना वायरस संकट की इस घड़ी में? संदेश तो ये है, जो सरकार के दिशा निर्देश ही है उस पर ज़्यादा पालन करना है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और हो सकता है जितना मतलब अपनी सेफ्टी मतलब लोगों से कम रख के ज़रूरत पड़े वही घर पे लिख ले, ये लोगों से हम लोग अनुरोध है। मौसम की शुरुआत हुई है, बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में वार्ड में आपके माध्यम से बारिश को देखते हुए, मौसम को देखते हुए क्या काम किए गए हैं? अभी पूरे वार्ड में डिसेंडिंग का काम हो चुका है, काफ़ी हद तक अच्छा डिसेंडिंग हुआ था, पर कई जगह अभी भी बाकी है, वो हम लोग वार्ड में अभी भी उस चीज़ पर फाइट कर रहे हैं, तो अभी भी डिसेंडिंग बार बार जाके हम लोग काम करवा रहे हैं लोगों के, जहाँ तक हो रहे मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भरे, जहाँ जहाँ पंप भी लगाए हुए हैं, सेल कॉलोनी में हमारा ज़्यादा ध्यान है, जो काफ़ी डीप एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी जाके हम लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। तो कोरोना वायरस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक वार्ड क्रमांक 151 के राजेश फुलवरिया जी से, राजेश फुलवरिया जी कार्य सम्राट नगर सेवक हमसे चर्चा कर रहे थे, उन्हीं से हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस संकट की घड़ी में उनके द्वारा क्या अहम कदम उठाए गए हैं। तो कैमरा पर्सन बबलू राउत के साथ मैं नियाज खान, ठक्करबापा कॉलोनी,
एचटीवी न्यूज मुंबई। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एचटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।